एंड वेलकम बैक टू कोड विद आरएसवी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जब हमारे पास कोड में मॉडल्स बने होते हैं तो उन कोड के मॉडल्स के थ्रू हम डेटाबेस का कोड जनरेट कर सकते हैं। उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि जो मॉडल्स हमारे कोड में बने हुए हैं वो करेक्ट हैं और हमारा डेटाबेस उन मॉडल के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए, कि हमने कोड में जो लिखा है डेटाबेस उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर हम उसका अपोजिट चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा कोड है वो डेटाबेस के अकॉर्डिंग चले, तो उसके लिए हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच फॉलो करते हैं। इस केस में हमारे पास एक डेटाबेस पहले से होता है और हम ये मान के चलते हैं कि डेटाबेस का जो स्कीमा है, जो उसके अंदर टेबल्स हैं, उनकी कॉलम्स हैं, उनकी कीज हैं, वो करेक्ट हैं और हमारा मॉडल जो कोड में जनरेट होगा सी शार्प में वो उस स्कीमा के बेस पे जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये .NET 6 में एक नई कंसोल एप्लीकेशन बना रखी है जिसमें कि अब न्यू सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सिंपल एक लाइन आती है। अगर आपको ये न्यू सिंटैक्स में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप ये जो लिंक इन ये कमेंट में जनरेट होती है इसके थ्रू जाके पुराना सिंटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पुराना सिंटैक्स यूज़ करूँगा। तो इस एप्लीकेशन में मैंने पहले से एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के हमारे तीनों पैकेजेस डाउनलोड कर रखे हैं जो हमने पिछले वीडियो में यूज़ किए थे, SQL सर्वर, डिज़ाइन और टूल्स। इसके अलावा हमें एक डेटाबेस चाहिए होगा जिसका यूज़ करके हम अपने मॉडल्स और कंटेक्स्ट जनरेट करेंगे। तो SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाते हैं। यहाँ पे हमारा लोकल डीबी का इंस्टेंस है, यहाँ पे अभी कोई डेटाबेस नहीं है। एक नया डेटाबेस हम ऐड करेंगे, डेमो डेटा। ओके, अब इसके अंदर हम करेंगे पब्लिश डेटा टीयर एप्लीकेशन, ये डेमो डेटा डॉट डीएसी पीएसी फाइल होती है, ये फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, मैं इसको पब्लिश कर दूंगा और यहाँ पे हमारी डेटा टीयर एप्लीकेशन पब्लिश हो रही है। जैसे ही ये एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस एक रिस्टोर हो जाएगा और उस डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा आना चाहिए वो आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये डेमो डेटा में डेटा आ चुका है, तो मैं इसके टेबल्स चेक करता हूँ। हमारे पास चार टेबल्स हैं, कस्टमर, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर और प्रोडक्ट्स, और इनके अंदर डेटा भी पहले से इंसर्टेड है। तो हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, मान लीजिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, उस डेटाबेस के बेस पे आपको एक नई एप्लीकेशन लिखनी है जो उस डेटाबेस का यूज़ करे। तो आप डेटाबेस में कोड के थ्रू चेंज नहीं करना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना चाहते हैं, आप सिर्फ उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो इस केस में हमें इनिशियली कुछ कोड राइट करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि डेटाबेस पहले से है, तो हम डायरेक्ट अपनी स्कैफोल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा ये जो डेटाबेस डेमो डेटा है इसके बेस पे हमें हमारे कोड में मॉडल जनरेट करने होंगे। तो उसके लिए हमें इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें से हमें ज़्यादातर चीज़ों की नीड नहीं है कनेक्शन स्ट्रिंग में, तो हम चीज़ों को हटाते चले जाएंगे। हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग में सिर्फ उस SQL सर्वर का इंस्टेंस है, डेटाबेस है और हम इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी टूल रख रहे हैं, मतलब कि विंडो ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है। तो ओके, अब हम जाएंगे पैकेज मैनेजर कंसोल में, इसके अंदर हम लोग टाइप करेंगे स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट, कनेक्शन स्ट्रिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर SQL सर्वर, उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टरी अपनी स्पेसिफाई करेंगे, डेटा के बाद आउटपुट डायरेक्टरी मॉडल्स। तो इससे एक फोल्डर डेटा नाम का क्रिएट होगा जिसके अंदर कंटेक्स्ट होंगे सारे, और एक हमारा मॉडल्स नाम का फोल्डर क्रिएट होगा जिसके अंदर के सारे हमारे मॉडल्स होंगे।
इसको रन करते हैं। तो अब हम अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखें तो डेटा के अंदर हमारा ये डेमो डेटा कंटेक्स्ट क्रिएट हो चुका है और हमारे चारों मॉडल जो हमने हमारे टेबल थे वो क्रिएट हो चुके हैं। अब जैसे कि इसमें अगर हम प्रोडक्ट एंटिटी को देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर वैसा लग रहा है जैसे हमने लास्ट वीडियो में खुद राइट किया था। एक डिफरेंस जो इसमें है वो ये है कि एनोटेशन जो हमने ऐड किए थे वो नहीं शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्राइस के केस में इसका टाइप हमने एनोटेशन में स्पेसिफाई किया था कि एक्चुअली टाइप क्या जनरेट होना चाहिए, बट वो यहाँ नहीं आ रहा है। अगर हम ये चीज़ डेटा कंटेक्स्ट में जाके देखें तो ये चीज़ एक्चुअली डेटा कंटेक्स्ट में स्पेसिफाई हो रही है कि ये इस कॉलम टाइप की कॉलम को जनरेट करेगा। तो एंटिटी फ्रेमवर्क हमें मल्टीपल तरीके देता है अपने कॉलम टाइप को स्पेसिफाई करने के। हम एनोटेशन के थ्रू कर सकते हैं और वहाँ ना करना चाहें तो हम अपने डेटा कंटेक्स्ट क्लास के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट वैसे ही मॉडल्स क्रिएट हों और हम डेटा एनोटेशन वहीं पे स्पेसिफाई करें जहाँ हमारे मॉडल्स हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम अपना ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर डिलीट करेंगे और एक बार फिर से स्कैफोल्ड की कमांड रन करेंगे। इस बार एक एक्स्ट्रा हम पैरामीटर देंगे डेटा एनोटेशन फ्लैग के साथ। तो हमारे यहाँ पे फिर से मॉडल्स और डेटा कंटेक्स्ट की क्लासेस जनरेट हो गई हैं और अब हम प्रोडक्ट में जाके देख रहे हैं तो हमने जिस तरीके से डेटा एनोटेशन स्पेसिफाई किया था वो अब करेक्टली जनरेट हो रहा है और जो पहले यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो चीज़ एम्प्टी है। तो अब हम यहाँ से ना स्पेसिफाई करके डायरेक्ट जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जा रहा है वहीं पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कभी पॉसिबल हो सकता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग टेबल या मॉडल के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहें। जैसे कि उस केस में हमने एक कॉलम ऐड की थी ईमेल के लिए और हमने देखा था कि कैसे हम मॉडल से वो चेंजेस को अपने डेटाबेस में पहुंचा सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एग्जिस्टिंग जो हमारा डेटाबेस है उसका अगर स्कीमा चेंज होता है, कुछ भी अगर कॉलम चेंज होती है, कोई टेबल ऐड होता है, उसको हम कैसे पब्लिश कराएंगे हमारे कोड में। तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप कोई नया टेबल या कुछ कॉलम ऐड होती है तो उसको मैनुअली एडिट करें आप उस पर्टिकुलर मॉडल में जाके। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के टेबल में कोई कॉलम ऐड होती है तो आप प्रोडक्ट के कॉलम में मैनुअली यहाँ पे एडिटिंग करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी डालेंगे। तो इस तरीके की हैंडलिंग में हम स्कैफोल्डिंग को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह से देखते हैं कि हमने वन टाइम हमारे डेटाबेस को स्कैफोल्ड करके हमारे कोड तक ला दिया है और उसके आगे की जितनी मेंटेनेंस होगी वो मैनुअली होगी। दूसरा तरीका होता है कि हम मैनुअली कुछ मेंटेन नहीं करेंगे और जब भी कुछ चेंज आएगा तो हम चेंजेस को स्कैफोल्ड करके वापस यहाँ पे कोड में लेके आएंगे डेटाबेस से। इस सेकंड अप्रोच का एक ड्रॉबैक ये है कि हम कभी भी ये जो हमारी मॉडल क्लासेस है इनके अंदर कुछ लॉजिक एक्स्ट्रा नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हमने इनके अंदर लॉजिक पुट किया और तो जैसे ही हम रीस्कैफोल्डिंग करेंगे दोबारा डेटाबेस से यहाँ पे स्कैफोल्ड करके हम कोड को लेके आएंगे तो हमारा लॉजिक हट जाएगा। इसी के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क इन क्लासेस को एज पार्शियल क्लास क्रिएट करता है। तो अगर ऐसा कुछ भी लॉजिक है जो आप प्रोडक्ट क्लास में पुट करना चाहते हैं तो आप उसको इस फाइल में पुट ना करके दूसरी लोकेशन पे इसी की पार्शियल क्लास जनरेट करेंगे इसी प्रोजेक्ट के अंदर और वहाँ पे आप लॉजिक डालेंगे। ये वाली फाइल में प्रोडक्ट क्लास के सिर्फ वही चेंजेस होंगे जो स्कैफोल्ड होकर एंटिटी फ्रेमवर्क जनरेट करेगा। इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्लास दो फाइल में पार्शियली डिवाइडेड है और ये वाली फाइल डेडिकेटेड है सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए, एंटिटी फ्रेमवर्क ही इसी में कोड चेंज करेगा सिर्फ, और दूसरी फाइल है हमारे मैनुअली एडिटिंग के लिए, उसमें हम लॉजिकल चेंजेस कुछ भी डाल सकते हैं, लॉजिकल हैंडलिंग जो भी हमें डालनी है वो हम उस फाइल में डालेंगे। तो इस चीज़ को हम एक बार दोबारा देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर एक बार इनको डिलीट कर देंगे और दोबारा से जाएंगे हम रीस्कैफोल्ड करने और इस बार जो हम आउटपुट डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर रहे थे उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे जनरेटेड और इसी के साथ साथ स्पेसिफाई करेंगे कि नेम स्पेस एक्चुअली क्या होना चाहिए। तो जैसे हम कॉन्टेक्स्ट का नेम स्पेस EF Core 101.data
एस ईएफ कोर 101 डॉट मॉडल्स। तो यहाँ पे हमारा डेटा एज इट इज जनरेट होके आ गया है, जो जैसा पहले हो रहा था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उसमें। और मॉडल्स के अंदर एक नया फोल्डर बना है जनरेटेड, और जनरेटेड के अंदर यहाँ पे ये क्लासेस हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक दूसरी क्लास ऐड कर सकता हूँ, प्रोडक्ट नाम से, और मैं इसको एक पार्शियल क्लास बना दूंगा। तो अब मेरी दो प्रोडक्ट क्लासेस हैं, एक जनरेटेड के अंदर है और एक जनरेटेड के बाहर है। दोनों का नेम स्पेस एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों में से जो जनरेटेड के अंदर है वो ईएफ कोर मेंटेन करेगा, और जो है यहाँ बाहर है उसको मैं मेंटेन करूँगा। दोनों एक दूसरे की सारी प्रॉपर्टीज को यूज़ कर सकती हैं, बस इससे हम कोड को सेग्रीगेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा लिखा हुआ लॉजिक कभी भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर चेंज ना कर पाए या डिलीट ना कर पाए। तो इस पॉइंट पे हमारे मॉडल्स प्रॉपरली जनरेट हो चुके हैं और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, और हम चाहें तो उसको यूज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो नेम स्पेस इनपुट करूँगा, ये 401 डॉट डेटा और यूजिंग ये 401 डॉट मॉडल्स, और यहाँ इसकी जगह पे हम अपने कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपने प्रोडक्ट पी की डिटेल प्रिंट करके देख सकते हैं। सोल डॉट राइट लाइन पी डॉट नेम, हम इसको रन करेंगे एक बार। यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स के नेम प्रिंट हो चुके हैं, यानी कि हमारी प्रोडक्ट की जो पार्शियल क्लास है वो करेक्टली वर्क कर रही है। तो इस तरीके से हम एंटिटी फ्रेमवर्क में डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंटिटी फ्रेमवर्क की कुछ ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे कि कैसे हम एंटिटी फ्रेमवर्क में लिखे गए अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।